हेलो दोस्तों, तो देखिए आज मैं आपको एग रोल बना के बताने वाली हूँ। तो देखिए इसके लिए हमें हम मैदा लिए हैं। देखिए थोड़ा सा मैदा है, 3-4-5 रोटी हो जाएगा इसका। अब इसमें देखिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे, रिफाइंड डालेंगे, जिससे कि मेरा परौठा सॉफ्ट हो। अब इसे हम मिक्स करेंगे और इसको हम गूथेंगे पानी डाल के। इसको इसका देखिए इस तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम गूथ लेंगे, जैसे आटा गूथते हैं उस तरीके से दोस्तों। तो देखिए मेरा इस तरीके से मैदा तैयार हो चुका है। इसे हम 15-20 मिनट तक छोड़ दिए थे। अब देखिए इसका हम परौठा बनाने के लिए इसको हम तैयार करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम छोटे छोटे लोई बना लेंगे और इसे रोटी की तरह बेलेंगे। देखिए इस तरीके से बना के इसे हम बेलेंगे। तो देखिए इस तरीके के लोई को अब हम बेल लेंगे। तो इसके लिए देखिए हल्का सा मैदा लगाएंगे और इसके, क्योंकि इसका परौठा बनाना है हमको, तो जिस तरीके से लच्छा परौठा बनता है उस तरीके से इसको हम देखिए। अब इस पे हम तेल देंगे, और हल्का सा मैदा दे देंगे। इसको हम इस तरीके से काट लेंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे इस तरीके से। देखिए इससे लच्छा परौठा का शेप आएगा इसका। देखिए इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे और इसको भी देखिए इस तरीके से कर देंगे इसको। देखिए गोल हो गया। अब इसे हम फिर से बेल लेंगे। सारे आटे को हम लोई को इसी तरीके से बनाएंगे। आप मैदा भी दे सकते हैं, नहीं तो आप तेल पे ही तेल देकर ही इसको बेल सकते हैं इस तरीके से। देखिए तो देखिए इस तरीके से हम इसे थोड़ा पतला और बड़ा कर लेंगे। अब हम तवा को गर्म कर लेंगे और इसे हम सेकेंगे। इस तरीके से मेरा परौठा हो गया। अब इसे हम तवा पे सेकेंगे। देखिए मेरा यहाँ तवा गर्म हो चुका है और सारे परौठा को हम इस तरीके से बेल के रख लिए हैं। अब इसे हम तवा पे सेकेंगे। देखिए इस तरीके से इसे हम धीमा आंच पे इसे सेकेंगे। इस पे तेल लगाएंगे। इसे खूब बढ़िया तरीके से इसे पकाएंगे। इसी तरीके से हम सारे परौठे को सेक लेंगे। देखिए इसमें एक अंडा लूंगी। और इसमें इसके टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और मिक्स करके इसे हम परौठे के साथ लगाएंगे। देखिए इस तरीके से मिक्स हो गया है। और हम तवा पे तेल ऐसे तो इसे रिफाइंड लगा हुआ भी है और इस पे हम नमक डालकर इसे हम फैलाएंगे ताकि रोटी के आकार का ये हो जाए।
पराठा को लगा देंगे इस तरीके से। इसे धीमे आंच पे हम पकाएंगे। देखिए इस तरीके से मेरा अंडा भी पक चुका है। देखिए ये हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं और हम दूसरे प्लेट में एक कुछ सब्जियां काट ली हैं। इसमें गाजर है, ये बंदा गोभी है, खीरा है, मिर्चा है और ये प्याज है। इसको मेन मेन हम काट लिए हैं। अब देखिए इस पर हम इसे कैसे लगाएंगे। इस पर हम पहले सॉस लगा देंगे, टमाटो केचप दे देंगे। अगर बच्चा लोग के लिए बना रहे हैं तो आप ज़्यादा दें, थोड़ा चिली सॉस दे देंगे। अब इसे हम इस तरीके से लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हो गया। अब इस पर हम सारे सब्जी को डालेंगे। आप मिर्च भी डाल सकते हैं और इस पर हम प्याज देंगे। देखिए इस तरीके से अब इसे हम इस तरीके से इसे हम देखिए होल्ड करेंगे। एक टिश्यू पेपर लगा देंगे। देखिए मेरा रोल बनके तैयार हो गया। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब कमेंट्स करके बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा।